गा से गदा, घर से घर, अंगा से एक है ना, अंगा से क्या? अंगा खाली। क्यों खाली क्यों? अंगा से कोई शब्द नहीं होता है, तू आगे पढ़। अच्छा मैं बताती हूँ। हाँ अंगा से अंगूर। अंगा से अंगूर, अंगूर अंग से होता है, अंगा से नहीं। जा मैं नहीं पढ़ती, पूरा माथा दुखता है। माथा तो दुखेगा ही, जब दिमाग पे जोर डालेगी तभी तो अकल खुलेगी। पर यहाँ दिमाग खर्च करना कोई चाहता ही नहीं, बस पढ़े जानवरों की तरह। तो आगे पढ़। मैं नहीं पढ़ती, जानवर क्यों बोला? अच्छा ये समझ में आ गया। अरे वाह रूपी, तेरी अकल तो खुल रही है, तू तो बहुत तरक्की करेगी। अरे मैं तो तेरा टेस्ट ले रहा था बाबा। क्या ले रहा था? तू जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। अब आगे पढ़ चौ से। एक सेट पे। शादी की बात छोड़ के। तू समझ गया? वाह कन्ना, तेरी भी अकल खुल रही है, तू भी बहुत तरक्की करेगा। अच्छा तेरी तो जंगली। ये जंगल तुम्हारा है, तुम लोग यहाँ के मालिक हो, यहाँ की हर चीज पर तुम्हारा अपना अधिकार है। बांबू के खेत तुम्हारे हैं, पेड़ तुम्हारे हैं, सब कुछ तुम्हारा है, सिवाय के सरकारी जीपों में घूमने वाले वो गार्ड, वो पुलिस, वो पटवारी, वो तुम्हारे नहीं है, वो सब साले चोर हैं। वो केवल यहाँ पर तुम्हें तकलीफ देने के लिए आते हैं, तुम्हें लूटते हैं, नोचते हैं, तुम पर अन्याय करते हैं। इस सब से तुम्हें कब छुटकारा मिलेगा? जब हमारा राज आएगा। और हमारा राज कब आएगा? जब तुम हमारा साथ दोगे। फिर हम सब एकजुट होकर इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जहां सिर्फ खुशहाली होगी। हमारी नक्सलवादी पार्टी यहां पर इस सरकार से लड़ने आई है तुम्हारे अधिकारों के लिए। डरो मत, तुम ताकतवर हो, तुम बहादुर हो, अगर तुम्हें कुछ कमी है तो वह सिर्फ है आत्मविश्वास की, और वो आत्मविश्वास हम तुम्हें देंगे। ये है आत्मविश्वास, तुम्हारी हिम्मत। इससे डरता है सरकारी अफसर भी और सरकार भी। तो बोलो लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। दादा लोग ठीक बोलते हैं दत्तू, इस सरकार ही हमारी जान मार रही है। हम तो जी रहे हैं भूखे नंगे, मरेंगे भी भूखे नंगे। पर इसमें नंगे का क्या सवाल है घीसू? हम तो हमेशा से ऐसे हैं, और हमारे यहाँ ज्यादा कपड़े पहनने का रिवाज कहाँ है? रही बात भूख की, तल्लोई हमसे खुश नहीं है, बरसात समय पर नहीं हो रही है, फसल अच्छी नहीं होती, तो भूखे तो रहना पड़ेगा ना भाई, तल्लोई का प्रकोप है। लेकिन ये सरकार तल्लोई नहीं है जिससे हम डरे, ये तो राक्षस है राक्षस। मैं तुम्हारी जमीनों के बारे में सरकार से बात करके आया हूँ। और सरकार ने कहा है वो तुम लोगों को तुम्हारी जमीन का पट्टा जल्दी ही दे देगी। और भाई मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं देगी, आखिर तुम लोग दादा परदादाओं के जमाने से जोत बो रहे हो, कोई आज की बात थोड़ी है। हाँ हुजूर, यही तो एक आसरा है। अरे भाई ये तो तुम्हारा हक है, सरकार को तो पट्टा देना ही पड़ेगा, और अब तो पट्टा देना इसलिए भी जरूरी है, ये जो इंद्रावती नदी है ना, वहां सरकार एक बांध बनाने वाली है, बड़े साहब आने वाले हैं पत्थर गाड़ने के लिए, और बड़े साहब जिधर पत्थर गाड़ देंगे उधर बांध का पानी नहीं आएगा, और जिधर नहीं गाड़ेंगे वो खेत पानी में डूबेगा। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम सबकी मदद करने के लिए, मैं दौड़ धूप करके सरकार से तुम्हारी जमीन का पट्टा ले लूंगा, और फिर पटवारी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज भी है। सही बात है हुजूर, हर परिवार को जमीन के पट्टे के लिए 200-200 रुपया देना होगा, क्योंकि बड़ा साहब आने वाला है ना,
वो पत्थर गाड़ने के लिए। लेकिन साहब रुपया तो हम पिछले पटवारी को दे चुके हैं ना। अबे चूतिए, पहले वाले पटवारी को दिया था ना, मुझे तो नहीं दिया था। अब क्या सरकार को रुपया मैं अपनी जेब से दूं? सब लोग ध्यान से सुनो, बाद में हाय हाय मत करना जब बांध का पानी इधर आएगा। देखो अब रुपया दो चाहे धान दो, मैं शहर जा रहा हूँ सरकार के पास। पटवारी गवर्नमेंट की रिसीट बुक लाए हैं आप? बाद में मिल जाएगी। बाद में आप मिलेंगे? बाद में नहीं मिलेंगे। मतलब तुम क्या समझते हो मैं यहाँ झूठ मूठ बोल के लूटने आया हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ये तो आप खुद कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स तो होते होंगे, नक्शा होता होगा, खेत नंबर होता होगा, रिसीट बुक होती होगी। आखिर सरकार का काम मुंह जबानी तो नहीं चलता ना पटवारी साहब? देखो मुझे हिसाब किताब और कानून सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ कोई खुशामद करने नहीं आया हूँ। दो मत दो तुम्हारी मर्जी है। ये जो खेत के पट्टे बन रहे हैं ना, ये कोई मेरे नाम से नहीं बनने हैं। ये खेत भी हाथ से जाएगा तो भूखों मरोगे। मेरा क्या? ये कन्ना चले घर से, ये यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। हम नया संकट नहीं चाहते। बड़ा साहब आ गया और उसने पत्थर नहीं गाड़ा तो सारा खेत पानी में चला जाएगा। तू चल यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, पत्थर इधर गाड़ा इधर नहीं गाड़ा, बांध का पानी पत्थर देख के थोड़ी बहेगा। तू जा यहाँ से। अरे हम सब है ना देखने के लिए, तू जा 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 तू। देखो डोबी, दया करें हुजूर, इसको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जो हमारे पास है हम देंगे ना। यही रहता है ये? नहीं सरकार, शहर में डाटर पड़ रहा है। क्या डाटर हुजूर? अच्छा अच्छा, जल्दी करो मुझे जाना है। ए जल्दी करो, सब जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी लेकर आओ कोर्ट को, जल्दी करो, चलो। जनरी झूठ मत बोलो, खुदा जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, पैदल जाना है वहाँ, पैदल जाना। अरे गाड़ी क्यों रोक दी ना मुराद, कौन है पैदल? ए नीचे उतर साले। सब उतर रहा हूँ सब, ये उतर गए सब। क्या है इसमें? ध्यान है साहब, गांव वालों ने अपनी खुशी से दी है, अपनी खुशी से। पिछली बार फसल अच्छी हुई थी ना, है ना रे? छूट बोलता है साला, बहुत हो गया पटवारी, अब और नहीं। क्या सोमती नंगा करके बांधे साले को पेड़ से, बांध चल, बांध पेड़ से साले को। बैलगाड़ी वापस ले जाओ और गांव वाले से जाकर कह देना इसके बाद उनके हिस्से का धान किसी और की आंख में नहीं जाएगा। जा। मारना नहीं साहब, मारना नहीं साहब, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। दोबारा अगर ऐसी गलती करेगा तो गोली मार दूंगा। चलो साहब, साहब मुझे खोल दो साहब, जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं साहब, जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं। दादा लोगों ने उसको बहुत मारा और कपड़े उतरवा दिए उसके, पेट से बांध दिया उसको। हाँ। मुझसे बोला गाड़ी वापस लेके जाओ, अब उनकी पार्टी यहाँ लूटपाट नहीं होने देगी। लाल सलाम, इधर आ, इधर आ। सब तर लोई की कृपा है, जीवन में पहली बार ये देख रहा हूँ कोरकू। क्या ये लाल सलाम? ये दादा लोग बोलते हैं। हाँ तो वो बोलते हैं ना, तू क्यों बोल रहे? अच्छा लगता है कन्ना, इसमें एक ताकत है, और मैं तो कहता हूँ कि पूरे गांव को ये बोलना चाहिए, दादा लोग के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, उनके पास बंदूकें भी हैं। नहीं किसू नहीं, बंदूक से बहुत खून खराबा होता है, अगर उनके पास बंदूकें हैं तो सरकार के पास भी हैं और उनसे ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी सरकार इनसे डरती है कन्ना, देख। डरने की बात नहीं है किसू। देख कन्ना, हम तेरी तरह पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अंधे भी नहीं है,
अपना अच्छा बुरा जानते हैं। हमारे लिए दादा लोग ही अच्छे हैं जो हमारे भले की सोचते हैं। ए कन्ना, हमको भी पेट भर खाना है, नींद भर सोना है और चैन से जीना है। घिसू मेरी बात तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं घिसू? ये लोग देशद्रोही हैं, हमें इनका साथ नहीं देना है। ए कन्ना, पूरा गांव इतना खुश है और तू क्यों उदास है? गांव वालों को खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है रूपी, लेकिन उदासी इस बात की है, ये खुशी उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रही है। तो तू है ना हमें सही रास्ते पे ले जाने वाला? मेरी यह सुनता कौन है? मैं। हाँ, मैं सुनूंगी तेरी सारी बातें। मजाक मत करो रूपी। अच्छा अच्छा, चल मेरे साथ। कहाँ? तू चल ना। ए चुकू, बोलना इसे। जाना रे कन्ना। चल, तू चल तो सही। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू कुछ दिन और रुक जाए? नहीं रूपी, अब तो मुझे जाना ही होगा। तो फिर तू मुझे भी साथ ले चल। तू वहां रहेगी तो मैं कैसे पढ़ूंगा? क्यों, ऐसा क्या करूंगी मैं? रोज झगड़ा करेगी, रोज कपड़े फाड़ेगी। वो तो करूंगी, पर रोज नहीं, कभी कभी। सच्ची? चुप। ए कन्ना, ले चलना मुझे अपने साथ, मुझे भी शहर देखना है। तू बोला था ना कि वहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बहुत सारे लोग, मोटर गाड़ियां, चकाचौंध कर देने वाली बिजली। मेरा ये सब देखने को बहुत मन करता है रे। चक्कर खा के गिर जाएगी, एक बार वहां गुम हो गई ना तो ढूंढना नामुमकिन है। याद नहीं है आहिरी के मेले में कैसे गुम हो गई थी? चल चल, तब मैं बच्ची थी। अब तो बरसात के बाद जब पगडंडियां नहीं भी दिखती ना, तो मैं पेड़ों को पहचान के जंगल में अपना रास्ता ढूंढ लेती हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ करना, ले चलना मुझे शहर। अच्छा ठीक है, फिर कभी ले जाऊँ। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता कि मैं शहर में तेरे साथ अच्छी नहीं दिखूंगी? ए रूपी, ऐसा मत बोल, तुझसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। तेरे बिना भी यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, तेरी बहुत याद आती है रे। मैं भी तेरे बगैर बहुत अकेला हूँ रूपी। इस साल शहर में मेरी आखिरी परीक्षा है, उसके बाद यहीं तो रहना है, तेरे साथ, तेरे पास।
दिन ब दिन यहां के जंगलों में तेजी से एक्टिव हो रहे हैं। उनकी पहुंच लगभग हर गांव तक है और आप कहते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं पीडब्ल्यूडी ने रिटर्न कंप्लेंट दी है। नेक्स्ट लाइफ ने उनके ठेकेदारों को मारकर भगा दिया, उनके मजदूरों को काम करने से रोका, उनके व्हीकल्स खाई में फेंक दिए, सैकड़ों बिजली के खंभे उखाड़ कर फेंक दिए उन्होंने, सड़क का पूरा काम ठप है। मिस्टर देशपांडे, सरकार का यहाँ पर कितना नुकसान हो रहा है जानते हैं आप? ओक क्षेत्र सिरोंचा थाने के अंतर्गत आता है, इसलिए मुझे मत सिखा कौन सा क्षेत्र किस थाने के अंतर्गत आता है। कांदोली क्षेत्र तो आपका है जी, क्या हो रहा है वहां पर? कुछ नहीं मालूम ना? कैसे मालूम होगा आपको? कभी गश्त लगती है आपकी वहां पर? आपका वक्त तो यहां पर ताश खेलने में बीतता है। वहां पर नेक्स्ट लाइफ ने एक पटवारी को मारा और एक फॉरेस्ट गार्ड को दिन दहाड़े गोली मार दी। मिस्टर देशपांडे, ये इंफॉर्मेशन 60 किलोमीटर दूर बैठकर मुझे मिलती है, आपको नहीं मिलती? इस बात का इल्म नहीं आपको? आप कहते कि इस क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी सर। सॉरी सुनने के लिए मैं यहां पर नहीं आया हूं। आई वॉन्ट रिजल्ट। यह आपके साफ सुथरे रजिस्टर देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। आपकी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी मिस्टर देशपांडे। वाकई काम के आदमी को आपने अपनी सेवा में लगा रखा है। मिस्टर देशपांडे, यहां पर माड़िया आदिवासी पुलिस में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि वो आपके लिए चाय बना सके, आपके लिए खाना बना सके। ये भर्ती गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के तहत हुई है। मिस्टर देशपांडे, इसका फायदा उठाइए। इसके जरिए आप इन लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों को पुलिस इन्फॉर्मर बनाइए और नेक्स्ट लाइट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, और तभी यहाँ की पुलिस यहाँ के नेक्स्ट लाइट मूवमेंट पर अंकुश लगा सकेगी। समझे आप? यस सर। दरवाजा खोलिए। देशपांडे, पटवारी के केस की इंक्वायरी करके रिपोर्ट हमें भेजिए और फॉरेस्ट गार्ड की तुरंत। यस सर। सल्यूट करो देशपांडे। गुड। काट रहा है। रुक रुक, गाड़ी लो, गाड़ी लो। कौन है बे? पकड़ो साले को। मालूम नहीं हरामखोर को कि जंगल में लकड़ी काटना मना है। लगता है कांवले साहब दौरे पे हैं। आज देशपांडे जम के पिएगा। क्या देशपांडे, इतनी जल्दी शुरू कर दिए? इंतजार भी नहीं किया? कैसे हो लालसू? ठीक हूँ सर। आज कांबले आया था? क्या हुआ? कुछ नहीं साला,
20 साल की नौकरी में आज तक किसी भी ऑफिसर ने मेरी काबिलियत पर उंगली नहीं उठाई। अरे साला हरामी का पिल्ला अपने पद का फायदा उठाकर मेरे जूनियर्स के सामने मेरी बेइज्जती करता रहा। देख, कहता है कि सरकार की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, जैसे मुझे कोई सरकार की परवाह नहीं है। पर ये सरकार का दामाद है। I want results। गांड में दम है तो यहाँ जंगल में आकर बैठो, रिजल्ट मिल जाएगा। वहां एसी चैंबर में बैठकर क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो। कहता है कि नक्सलाइट्स एक्टिव हो रहे तो होने दो, मालूम है यार क्यों नहीं होंगे। ये 10 हवलदार और 2 इंस्पेक्टर की फौज लेकर मैं नक्सलाइट से भिड़ जाऊं, खुदकुशी कर लूं, और तुम यहां आकर मेरे डेड बॉडी पर क्या उतार दो। बस कामले सब इंस्पेक्टर था साला, मेरा जूनियर, मैं चाय मांगता था उसे, चाय ला कामले, पनला पे। और आज चमचों की लाइन में खड़े होकर ऑफिसर बनकर तुम्हारे सर पे बैठ गया। कल तक जिन पर मैं हुकुम चलाता था आज उनको इस सैल्यूट मारना पड़ता है। जैन साहब, जैन। रिलैक्स देशपांडे। ए ललसू, तुम मेरी सेवा मत करो मेरी, वो तुम्हारे कमले साहब को अच्छा नहीं लगता ना, तुम जाके बैठो। नहीं, तुम यहाँ बैठो, मेरी जगह पे बैठो, मेरी कुर्सी पर बैठो, क्या मालूम कल आपको भी सैल्यूट मारना पड़ेगा ना। बैठो बैठो, मुंह क्या देख रहे हैं कुत्ते का अंदर लाके। देशपांडे, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या हो गया? बैठो बैठो, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। कंट्रोल योरसेल्फ, अपना जरा भी ख्याल नहीं है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तुम्हें, रिलैक्स। राठौर, मैं कोई चूतिया नहीं हूं, दिल्ली तक पहुंचे मेरी विधान भवन में ड्यूटी लगवाऊंगा साले के, थक जाएगा मंत्रियों को सलाम ठोकते ठोकते। दीसु, ला बैग दे। ए चल ना, आष्टी तक छोड़ देते। हाँ चल ना। अरे आष्टी से लौटने में देर हो जाएगी, तुम लोग जाओ, मैं चला जाऊंगा। ला बैग दे। करना वो सेहत किसी को देना नहीं, तू खाना। हाँ बाबा समझ गया, कितनी बार बोलेगी। गीसु, सबका ख्याल रखना। हो, मैं जल्द आ जाऊंगा। और हाँ, वो लाल सलाम ठीक नहीं है, समझा? तू पढ़ाई करती रहना, वरना शादी नहीं करूंगा। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर वापस आ जाऊंगा। तल्लू तेरी रक्षा करेगी करना। शहद ना, खा लूंगा। खुश ला। चाह रहे हैं हमारे पूरे राष्ट्र को हम अपनी विचारधारा के साथ जोड़ लें, और क्यों नहीं जुड़ेगा राष्ट्र, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कौन हो? कन्ना। कन्ना कौन? कन्ना मड़ावी। कहां से आ रहे हो? अपने गांव कांदोड़ी से। तुम्हारा गांव कांदोड़ी क्या हो? हाँ, जहां उस दिन तुम लोगों ने धान की बैलगाड़ी को वापस भेजा था। लेकिन इसके पहले तो तुम्हें कभी यहां देखा नहीं। मैं नागपुर रहता हूं।
क्या काम करते हो? पढ़ रहा हूँ MBBS फाइनल ईयर। MBBS कौन से कॉलेज से? मेडिकल कॉलेज नागपुर। बेसिक एजुकेशन कहाँ मिली? मेरा मतलब है कक्षा 1-2-3। अल्लाहपली में एक आश्रम चला वहां से। दादा ये पुलिस का आदमी नहीं है, ये गांव वाला है। सॉरी, रियली सॉरी कन्ना, पर इस शहरी बेस में तुम पर शक करना जायज था। इट्स ऑल राइट, आई कांट बिलीव इट। इस बात पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि मैं एक आदिवासी से बात कर रहा हूं। विचित्र निजंग विचित्रंग, कांदोड़ी टू अल्लापिली इट्स नियरली 20 किलोमीटर्स विद 2 rivers टू क्रॉस। इट्स रियली अ टफ जॉब। नॉट फॉर अ ट्राइबल बॉय। यू मस्ट हैव हर्ड द एज ओल्ड सेइंग, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आई एम प्राउड ऑफ यू कन्ना। आगे क्या सोचा है? नेचुरली प्रैक्टिस करूंगा। नागपुर में? नहीं, अपने गांव में, क्योंकि यहां के लोगों को मेरी जरूरत है। गुड, वेरी गुड। सिर्फ यहां के लोगों को नहीं, हो सकता है आगे चलकर हमें भी तुम्हारी जरूरत पड़े। तुमने अपना नाम नहीं बताया। राजैया। तो मैं चलूं राजैया? सुमथी बैग। नमस्कार। हाँ आइए आइए रेंजर साहब, आइए बैठिए। भाई देशपांडे जी। ये शिंदे गाड़ी निकालो, पैरा मिलने चलने जाओ। यस सर। ये पेपर मिल के मुंशी है। नमस्कार साहब। बांबू कटाई का काम यही देखते हैं जी। आपसे मिलना चाहते थे जी साहब। आपसे एक छोटा सा काम था साहब, ये अर्जी। क्या ये? मालिक ने कहा है कि पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए साहब। क्या है कि पिछले साल सिरोंचा में बांबू कटिंग के दौरान नक्सलवादियों ने बहुत तोड़फोड़ की थी साहब, सारे मजदूर भगा दिए थे। तो कहीं इस बार भी फिर से वैसा हंगामा ना हो, इसीलिए मालिक ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ इतनी फोर्स नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। अरे साहब आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता है साहब। वैसे पुलिस आ जाती है तो मजदूर भी ढंग से काम करने लग जाते हैं साहब। कब से है कटाई? परसों से साहब। परसों मीटिंग है जमालगट्टा में रोड बनाने के लिए। डीएफओ साहब आ रहे हैं, आप भी तो वही हैं रेंजर साहब। परसों नहीं होगा, फिर कभी देखेंगे। ठीक है साहब। साहब जैन साहब। हाँ ठीक है साहब। हाँ साहब, मालिक ने कहा है कि कटाई तो परसों से ही शुरू होनी है। अगर कटाई नहीं हो पाई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी साहब, सारे ट्रक खड़े हो जाएंगे। मालिक ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रखे। क्या मालिक? मालिक लगा रखा है, मैं क्या नौकर हूं तुम्हारे मालिक का? सॉरी देशपांडे जी। ये तो मुंशी है, कुछ हो सकता है तो कर दीजिए। इसे इनके मालिक बहुत ही दरिया दिल इंसान है। मुझे क्या मालूम वो कितने दरिया दिल हैं मुंशी जी। हाँ ये दरिया है, ये तो नाली भी नहीं लग रही है। फिलहाल तो ये रखिए साहब। कब से कटाए? परसों से। तो साफ साफ बोलना था ना, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी? परसों ठीक है। अरे मुंशी जी देशपांडे जी खुद ही आ जाएंगे। थैंक यू साहब, थैंक यू, थैंक यू। मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। चलो बंद गया, अच्छा है। चलो तुम कोई काम नहीं करोगी? हाँ काम मत करना। हाँ जल्दी कराओ।
हथियार चलाओ। अबे कालिया, वो मांगिया किधर गया? ए जल्दी जल्दी काम करो रे काम चोरो, जल्दी करो, तीन ट्रक भरना बाकी, जल्दी कर, चल। ए बुढ़ऊ जल्दी कर, जल्दी कर, वरना आधी मजदूरी दूंगा, चल। ए चल, ये मुंह क्या ताकती है मेरा, है? चल जल्दी करो, काम करो, उधर काम करो, काम के ना काज के ढाई मन अनाज के, जल्दी करो रे, अरे जल्दी करो। अबे हरामखोर, मारेगा क्या? गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब। नमस्ते साहब। क्यों मुंशी जी, सब ठीक चल रहा है ना? जी साहब। कोई तकलीफ वकलीफ तो नहीं है? नहीं साहब, सब ठीक चल रहा है। वो मिल से काटरे साहब आया था, बोल रहा था बस दो ही पुलिस वाले भेजे आपने, वो भी बगैर बंदूक के। अरे दो पुलिस वाले बहुत ज्यादा है, यहाँ तो खाली वर्दी पेड़ पे टांग देते हैं तो भी इनकी फटती है। मुंशी साहब, मुंशी जी, चलो मेरे साथ जी। और भी बाबू की निशानियां दिखाता हूँ, आओ जी। ओके देशपांडे। ला मैं ले जाता हूँ। तू वो काट मैं ले जाती हूँ। बोला ना मैं ले जाता हूँ, तू जाके काट उधर। आजा सर, ये अपना आदमी है, राम राम, यहाँ की पूरी खबर हमको देगा। क्या नाम है तुम्हारा? गोंगलू। क्या गोंगलू? ओ जाओ ना ड्यूटी पे जाओ ना। उस लड़की को जानते हो? बोल जल्दी बोल। वो मैं नहीं है साहब, दत्तू की जोरू, कांदोड़ी गांव की रहने वाली है। मतलब तू सचमुच जानता है? हाँ साहब। रात को थाने पर आ जा। जी साहब। जा, राम राम। अरे मजा आ गया जब मुंशी की बांबू पड़ा, लेकिन मुंशी जैसे ही भड़का तो हम लोगों तो चिट्टी पिट्टी घूम। पुलिस वाला आया है, बुला रहा है तुझे। मुझे बुला रहा है? क्या बात है? कह रहा है कब्र खुदेगी तेरे बाप की। कब्र खुदेगी? क्यों? ये तो बताया नहीं। ऐसे कैसे कब्र खुदेगी? मुर्दे को कब्र से खोद के बाहर निकाला तो आफत आ जाएगी। उसे कब्र से खोद कर निकाला गया तो उसकी आत्मा इधर भटकेगी, भूत बन जाएगा वो, पूरे गांव पे संकट आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सबको पाप लगेगा, गांव में जीना दुबर हो जाएगा भाई। तो अब क्या करें? करना क्या है? अरे उसको दारू रुपये जाकर दो तो वो जाएगा। ये ठीक है दत्तू, मैं गांव से रुपया इकट्ठा करके पहुंचता हूँ, ठीक है? तब तक तू साहब को घोटुल में ही रोक के रखियो, गांव मत आने दियो, ठीक है? डोबी और को आ जा, चलो चल जल्दी आ, चल। तू है दत्तू? जी जी, वो हुजूर मुर्दे खोदा तो बहुत संकट आ जाएगा हुजूर। हत्या हुई है, पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा ना। वो बीमार था हुजूर। हराम को तुझे क्या मालूम क्या हुआ था? रिपोर्ट मिली है, खोदना तो पड़ेगा। जा गांव वालों को बोल दे खोदने के लिए, मैं आता हूँ, जा। क्या साला नौकरी है वो हुजूर, कुछ रुपया। साले मैं यहाँ क्या तुम्हारे अठन्नी बटोरने आया हूँ? पूरे गांव की लंगोटी झाड़ेगा तो भी क्या मिलेगा?
पैसा देगा मुझे। जा 10,000 रुपए लेके आना। हुजूर। हुजूर हुजूर क्या? हाँ? जा गांव वालों को बोल दे खोदने के लिए। जा। रहम करो हुजूर। मैं क्या करूं? कर तो तू बहुत कुछ सकता है। क्या हुआ? वो बोलता है कि 10,000 रुपया दो या फिर तू। सब मिलेगा ना, देखिए ना। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं आई हूं। क्या है, कितनी ठंडी लग रही हो? ऐसा थोड़ी चलता है, गर्म चाहिए। चलो तुम वार्म अप करो। वार्म अप? कूदो जगह पे कूदो। चलो कूदो कूदो अप डाउन अप कूदो 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 जगह पे जोर से कूदो अप डाउन वन टू कूदो 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 जोर से अप डाउन ऊपर नीचे ऊपर नीचे टू वन नहीं रुको, कपड़े उतारो। खोलो प्यार से हाँ प्यार से पूरा नीचे का खोलो। करीब आओ और करीब हाथ ऊपर करीब सीने से लगो। नहीं Thank you.
मार दे उसके मुंह पे, बस इतना ही हो पाया है। ले ले। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास फॉर। ए दत्तू चिंता नहीं करना, आप कबर नहीं खुदेगी। मैंने कबर नहीं खुदेगी। कबर नहीं। बगैर पैसे लिए चला गया। जंगल अपना रे 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 रे। दादा, मुंशी ने मजूरी बढ़ा के नहीं दिया और उधर पुलिस लेके आया था। चल साले, चल शीके पकड़े अब, चल साले इधर, बुलाओ सबको, चल इधर 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 खड़ा रहा। देखो भाइयों, हम किसे पकड़ कर लाए हैं, ठीक से देखो। ये मुंशी है, पेपर मिल का मुंशी है। ये बहुत जहर है इसमें ए माई, लेकिन आज हम इसका सारा जहर उतार ही देंगे। हमने इसको बोला था आपकी बांबू काटा तो मजदूरी बढ़ा कर देना, नहीं तो काम बंद कर देंगे। आपसे भी तो वादा किया था कि आप हमारा साथ दोगे तो हम मजदूरी बढ़ाकर दिलवाएंगे। क्या बोला था तुझे, इनको पूरे दिन की मजदूरी कायदे के मुताबिक 5 रुपए नहीं बल्कि 20 रुपए मिलेगी। वो कंपनी क्या कंपनी, कौन कंपनी, भाड़ में गई कंपनी, भूख देंगे कंपनी, साली एक धुएं में उड़ जाएगी। पूरा ट्रक बांबू तो दूर, एक बांबू भी नहीं मिलेगा यहां से। तेरे जैसे हरामियों को ठीक करने आए हैं हम इस जंगल में, ठीक हुए तो ठीक, नहीं तो गोली ठोक देंगे साले। पुलिस बुलाया था उधर, पुलिस पुलिस क्या मुफ्त में आती है, पुलिस कभी मुफ्त में नहीं आती, और अगर मुफ्त में आती है तो मुफ्त में जाती नहीं है। कितना पैसा दिया बोल, बोला पुलिस को देने के लिए पैसा है पर इनको देने के लिए पैसा नहीं है, इनके हिस्से का पैसा तू पुलिस को देता है, साला पुलिस का बड़वा बड़वा। सोती बांध रहे साले को, मार दो साले को। किसी तरह चल, क्या कन्ना ने क्या बोला था, ये लाल सलाम ठीक नहीं है, समझा? उंगली पे गिनो भैया कितने लुटेरे कम है, उंगली पे गिनो भैया कितने लुटेरे कम है, लाखों करोड़ों हम है फिर क्यों ये दर्द गम है, लाखों करोड़ों हम है फिर क्यों ये दर्द गम है। दिन रात की है मेहनत दर दर की खाई ठोकर, दिन रात की है मेहनत दर दर की खाई ठोकर, फिर भी वही खड़े है हर रास्ते पे लुट कर, इनका राज इनका बंदूक इनका सब कुछ इनका, हाथ खाली कई कुरे सवाली कई कुरे, हाथ खाली कई कुरे सवाली कई कुरे, हिंसा को जोड़ लो हाथ में बंदूक लो, हिंसा को जोड़ लो हाथ में बंदूक लो, हाथ में बंदूक लो, हाथ में बंदूक लो,
काम होने के बाद अंगूठा लगाने के लिए ऑफिस आ जाएं। जी समझा जी। रुकिए चलो। सोलंकी इन सबके अंगूठे ले लो, मैं गोडाउन में हूं। अंदूड़ी नेरे वाले आ जाओ, कोरकू डोबी एड़का मंगी। जल्दी आ रहे, सिर्फ ये काम है क्या? अंगूठा लगाओ। हाँ शाबाश। बाद में कौन है? पकड़ी महीनी गोंगलू चिपा। जल्दी जल्दी रे, जल्दी जल्दी। खाना खाए कि नहीं? शाबाश। हाँ चल चल चल। हाँ तू लगा। हाँ चल। हाँ शाबाश। चले चल। चुटकुन्ने अंगूठा लगवा रहे, पैसा नहीं दे रहे। चले चल गाड़ी चल। चलो बाद में कौन है? रूपा गोपीनाथ गिसु दत्तू। चले चल जल्दी। चलो जाओ घर जाओ। चल 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 चल। हाँ शाबाश। चल जा चल अंगूठा लगा। साहब पैसा? अंगूठा लगा। साहब पैसा नहीं तो अंगूठा क्यों? कैसे पैसे? सब चार दिन काम किया है सब, मजूरी तो देखिए सरकार का काम है, इसका मजूरी थोड़ी होता है। लगा नहीं साहब, पैसा नहीं तो अंगूठा नहीं। तो अंगूठा नहीं लगाया? लग गया अंगूठा। दत्तू अंगूठा लगा। दत्तू अंगूठा मत दे, पैसे चाहिए तेरे को। सब काम किया है। एक काम करना, इसको साहब के पास ले जा। चलो वरना पैसे चाहिए इसको। चलो बड़े साहब पैसा देंगे तो। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते। हाँ नमस्ते, बाद में करा। अंगूठा लगा। क्या बकवास कर रहे हो? 15 दिनों से हमारे कोटे का डीजल नहीं मिला और तुमने मुझे बताया नहीं। हम लोग ये पैसा मांग रहा है। चार दिन का मजूरी है साहब। सरकार से रुपए मांगने की हिम्मत कहां से आई बे? पैसा चाहिए, ये ले पैसे की धार। पैसे की धार। पकड़ो साले, भागने ले पाए। Thank you.
क्या कह रहे हो राठौर? अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक कह रहा हूं यार, ऐसा ही हुआ है। ये निशान देख रहे हो? निशान तो ठीक है, तुम्हारा बयान दुरुस्त नहीं है। वहां जो कुछ भी हुआ है वो मैं तुम्हें बताता हूं। घीसू मड़ावी निवासी गांव कांदोड़ी तालुका भावरागढ़, देर रात अल्लापली फॉरेस्ट ऑफिस में जबरन घुसा, फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर को बुरी तरह से घायल करने के बाद सरकारी तिजोरी लूटकर फरार हो गया। वर्दी में सरकारी अफसर पर जानलेवा हमला करने और सरकार की संपत्ति को लूटने के अपराध में भारतीय दंड विधान की धारा 307, 397, 332 और 353 के तहत अल्लापली थाने में सरकार की तरफ से मामला दर्ज किया गया। ये रहा तुम्हारा बयान। देशपांडे। शिंदे सर, किसी को पूरे गांव में ढूंढो। यस सर। जल्दी, कहीं भाग ना जाए। किसी कहाँ है? बुलाओ उसको। ए, कौन है उसका बाप? मैं साहब, मैं तो अभी अभी मालूम पड़ा कि सरकारी तिजोरी लूट कर फॉरेस्ट ऑफिस से भागा है वो। कहाँ है वो? साहब, घीसू कभी चोरी नहीं कर सकता। कहाँ छुपाया उसको? एक आदिवासी की इतनी हिम्मत कि वो सरकारी ऑफिसर पर हाथ उठाए? हाथ काटूंगा साले के। क्या नाम है तुम्हारा? माफ कर दीजिए। इधर छुपाया उसको, बोलो। एक नाम लेकर उसको। ए, घीसू चाहिए मुझे अभी के अभी, किसी भी हालत में। बताओ सर, घीसू गांव में नहीं है। पुलिस थाने में उसे हाजिर करो। अगर नहीं किया तेरा पूरा परिवार जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। उस रेंजर को हम जान से मार देंगे घीसू, जिसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया है, जिसने तुम्हें तुम्हारे स्वाभिमान को धक्का पहुंचाया है। छोड़ेंगे नहीं उसे। हर दरिंदे का वही अंजाम होगा जो हमारे गरीब आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय करेगा। हां सुनती, ये वो शक्ति है जो तुम्हें मुक्ति दे सकती है। घीसू मड़ावी उर्फ गणपति अन्ना उर्फ लक्ष्मैया, हमें तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है। जो लड़ाई हम अपनी जान पर खेलकर लड़ रहे हैं, एक दिन उसका विजय दिवस लाल झंडे के साथ दिल्ली के लाल किले पर मनाया जाएगा। उसके बाद इस देश में सिर्फ मजदूरों का राज होगा। लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम। तुम शेर क्या पकड़ोगे? एक आदिवासी को तो पकड़ नहीं पाए। अरे यार, क्या भाग रहा था वो? देखते ही देखते साला घने जंगल में जाने कहां गायब हो गया। मिलेगा मिलेगा, जंगल में तुमसे और गांव में हमसे भागकर कहां जाएगा वो? यार देशपांडे, मैं इस जंगल से तंग आ चुका हूं। मेरा कहीं यहां से ट्रांसफर करवा दो। तुम्हारा ट्रांसफर मैं करवा दूं? हाँ, तुम्हारी पहुंच तो दिल्ली तक है ना। अरे तुम ही तो उस दिन कह रहे थे। यार मेरी पहुंच दिल्ली तक होती तो मैं अपना खुद का ट्रांसफर नहीं करवा लेता। पता नहीं यार, नशे में तुम कुछ भी सुन लेते हो। थोड़ा कम पिया करो। मैं? हाँ। अभी ये तो उठा लो। उठा लो। सोमती, पता कर तू सरकार ने किन किन गांव की पुलिस पार्टी को बंदूकें दी हैं? हाँ ठीक है। दादा,
पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। गांव में भी आई थी, वहां सब बहुत परेशान है। और हाँ दादा, चुको बहुत ज्यादा बीमार है। चुको चुको चुको, केसो केसो तू आ गया केसो। तू रहता कहाँ है रे? जंगल में। जंगल? और भात पानी? कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। ऐसे कब तक चलेगा? जब तक ये लड़ाई चलेगी। पुलिस वालों को अब तक तेरी खबर नहीं है सो। उन्हें पता चला कि तू दादा लोगों के साथ है तो पूरे गांव को तहस नहस कर देंगे। अब तक क्या कम किया है उन्होंने? कोरकू, सिर्फ अपने और अपने गांव के बारे में मत सोचो। क्या ये कोरली आहेरी निहरी वाले अपने भाई लोग नहीं? उन पर भी तो जुल्म हो रहे हैं। बात सिर्फ कांदोड़ी की नहीं है, हर गांव की है, पूरे आदिवासी समाज की है। तू भूल गया कन्ना ने क्या कहा था? याद है, उसे अच्छा नहीं लगेगा। और क्या ये उसको अच्छा लगेगा कि उसके भाई को चार चार लोगों ने मिलकर पूरी तरह से पीटा और उसके मुंह पर मुंह दिया? मुंह पीकर नहीं जीना है। लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे जुल्म से या भूख से। केसु, अपना ध्यान रखना चुको। सुना कि सुगाव में आ गया है? नहीं साहब। तो कहां छुपा है? साहब पता नहीं। सच बोल रही? हाँ साहब। अच्छा, क्या बोली थी तू उस दिन? किसी कभी चोरी नहीं कर सकता है। हाँ साहब। तुझे कैसे पता? हाँ हाँ हाँ, बोल बोल बोल। साहब साहब, वो दत्तू बोला साहब, रेंजर ने उसे बहुत मारा, सड़क बनाने की मजूरी मांगे इसलिए। तल्लू ही जानती है साहब, उसके मुंह पे मूता। मतलब रेंजर झूठ बोला? हाँ साहब। अच्छा, तो उस दिन तू गांव में क्यों नहीं बोली? मजदूरी मांगना कोई गुनाह तो नहीं है? काम किया तो पैसा तो देना चाहिए ना। साले, उस रेंजर ने एक आदिवासी को बिना वजह से मारा, और तो और उसके मुंह पे छोड़ूंगा नहीं साले को।
तेरे बयान पर तो उसकी नौकरी चली जाएगी, जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा साला। चल बैठ। पर सब। अरे बैठ, थाने में तेरा बयान तो लेना पड़ेगा ना। पर सब। गीसू को बचाना है तो उसको तो पकड़ना पड़ेगा ना। हाँ बैठ बैठ चल। क्या नाम है तुम्हारा? रूपी। हाँ सब रूपी। रूपी तो हमारे घर आएगी? हाँ ए रूपी क्या पिलाएगी बोला? मोवा पिलाएगी क्या? मोवा ए सब... मोवा पिलाना रूपी। ए डरना नहीं यार, डरना नहीं यार, सब... डरना ना यार, डरना। रुपे रोक रोक रुपे, ये तो कोई बचाना नहीं क्या? रोक साले पत्थर। रुपे रुपे भाग भाग सारे, तू कितनी भाग रही है देखता हूं मैं अभी। भाग Thank you.
नहीं सकती रूपी, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। वेल डन कॉमरेड चंद्रका। इंस्पेक्टर साहब हैं? हाँ है या? जी मैं डॉक्टर कन्ना मड़ावी हूं। मड़ावी जी? डॉक्टर बैठो। बोलो जी। 15 दिन पहले हमारे गांव कांदोड़ी की एक लड़की रूपी जंगल में जानवर चराने गई थी। उसी दिन दोपहर को उसे गोंद पिपड़ी गांव में देखा गया था। उसके बाद उसका कोई पता नहीं। 15 दिन पहले? जी हाँ, जंगल में उसकी चुनरी मिली। तो अब तक वो घर नहीं पहुंची? हो सकता है वो अपने किसी रिश्तेदार के पास या जान पहचान वाले के यहाँ गई हो। जी नहीं, हमने सब जगह तलाश किया, वो कहीं नहीं है। फिर तो मुझे लगता है कि हो ना हो वो जरूर जंगल में किसी जानवर का। नहीं सर, अगर किसी जानवर ने उसे मारा होता तो उसकी डेड बॉडी जरूर मिलती, और गांव वालों ने पूरा जंगल छान मारा। ठीक है, आप FIR लिखवा दो, हम जरूर कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। मेरे क्षेत्र में ऐसी लड़की या कोई बॉडी बरामद हुई तो मैं आपको शिनाख्त के लिए बुलवा लूंगा। बाय द वे, आप कांदोड़ी गांव में कब से हो? बचपन से यहीं पैदा हुआ हूं। लेकिन मैं नागपुर में पढ़ रहा था। गुड, कितने दिनों के लिए आए हो यहां? हमेशा के लिए, अब मैं यहीं प्रैक्टिस करूंगा। अच्छा है, यहां तो डॉक्टर है भी नहीं, बेचारे गांव वालों को राहत मिल जाएगी। ठीक है, आप FIR लिखवा दो। लड़की का कोई फोटो है? नहीं, फोटो कहाँ होगा। आप उस लड़की का हुलिया वगैरह लिखवा दो। ये रहने दो, शायद इससे कुछ मदद मिले तो। थैंक यू इंस्पेक्टर। कहाँ गई साले? तुम यहां क्यों आए? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था ना? जो भी खबर हो अपने भाई के साथ भेजा करो। दादा खाड़ू बीमार है। तो क्या हुआ? फिर भी जब तक हम तुम्हें नहीं बुलाते तब तक तुम यहां नहीं आ सकते। कॉमरेड, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। क्या खबर है? दादा बिनागुंडा और निहरी में पुलिस ने चौकी बनाई है। इसका मतलब है और पुलिस फोर्स यहां आने वाली है। हाँ। सोमदी, उन ठेकेदारों को पकड़ो जो गांव में पुलिस चौकियां बना रहे हैं। ना रूपी, कन्ना शहर से वापस आ गया है। उसने तुम्हारे गुम होने की रपट लिखाई है पुलिस थाने में। किसी को नहीं पता कि तुम यहां हो। पता चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम रूपी से नहीं कामरेड चंद्रका से बात कर रहे हो।
घीसु, ये लाल किला क्या है? दिल्ली में है। हाँ वो तो मैं भी राजा ये से सुनी, पर ये है क्या? वहां पर हमको अपना झंडा लगाना है बस, तभी समझो हमको आजादी मिलेगी। तब तो फिर हमें उधर जाना पड़ेगा। हाँ फिर, लेकिन इससे पहले सब लोगों को जोड़ना है अपने साथ, फिर एकजुट होकर वहां जाएंगे। पर सबको एक साथ जोड़ने में तो बहुत दिन लगेंगे, है ना? इतना बड़ा जंगल है, दूर दूर गांव है, सबको जोड़ना है तो समय तो लगेगा ना। अब क्या है ना कि यहाँ पर सबको अपनी अपनी पड़ी है, जो चल रहा है चलने दो, जैसा है ठीक है, एक दिन तो मरना है, यही जपते रहते हैं। अरे मरना है तो लड़के मरो ना। शमशान में बड़ा पत्थर तो लगेगा, लोग याद करेंगे कि अपनों के लिए कुछ किया, चाहे दो गार्ड मारे कुछ तो किया। तू देखना रूपी, यही खुशहाली लाएगी यहां। अच्छा वो दिन राजा यह किताब पढ़ते पढ़ते बोला, आदिवासी राष्ट्रीय पर प्रवाह में नहीं है, उन्हें मुख्य धारा में लाना होगा, तुझे समझा क्या? नहीं समझा तो मुझे भी नहीं, पर रजैया से सुबह पूछूंगा मैं। कहना कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सी बात समझ में नहीं आती, और रजैया तो बहुत पढ़ा है। पढ़ा तो करना भी है, तो फिर वो क्यों उन लोगों को गलत बोलता है? कन्ना को कौन समझाए, कभी रजैया से मिला ना तो उसकी अकल खुलेगी। नहीं तुझे तो बहुत याद करता होगा। और तुझे? मुझे मरा समझ के भूल गया होगा। कन्ना तू दवा खाने में इतना काम करता है, सबका इतना ख्याल रखता है, तुझे देखने वाला भी तो कोई चाहिए। तू है ना कन्ना, तू लगन कर लेता तो। घीसू आएगा ना उसका लगन कर देना, मुझे छोड़ दे। घीसू आएगा करना, रो मत, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, जिस दिन वो मुझे मिलेगा ना कान पकड़ के तेरे पास लाऊंगा, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा, वो आ जाएगा चुको। मत रो चुको। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। बट्टा दो 673 बटा दो लिख रहे जी साहब, ये दो में नहीं तीन में कटेगा। अच्छा जाओ, वो दो में नहीं तीन में कटेगा रे, तीन लिख रहे। हाँ साहब तीन लिख। उस बड़े वाले सागवान पे निशानी लगा बे। जी साहब वो सागवान पे भी वैसे ही लिखना रे। अच्छा साहब सर मैं क्या कह रहा था, सर कहां चले गए? Oh,
चले पी साले मूत पी बस मार साले को नक्सलवादियों ने खुलेआम रेंजर को मार दिया और आप वहां सिर्फ तमाशा देखते रहे, क्या एक्शन लिया आपने? नहीं सर, मैंने ड्यूटी करो देशपांडे, ड्यूटी, वरना ट्रांसफर तो दूर, रिटायर भी आप वहीं अल्लापल्ली से होंगे। स्पेशल टास्क फोर्स तैनात करने का ऑर्डर ऊपर से आ चुका है। थैंक यू सर। सर मैंने इन्फॉर्मर्स बनाए हैं, दो गज की चौकियां बनाई हैं, फोर्स के आते ही विद इन 15 डेज मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा सर। रिजल्ट्स अब आप नहीं, फोर्स के मेजर तिरके देंगे, समझे? और आप वहां एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन चलाने में उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे। सर दिस इज एन ऑर्डर देशपांडे। यस सर। दिनों के अंदर हमें इस जंगल से नक्सलवादियों को खत्म करना है, इसी में हमारे बटालियन की शान है। कोई शक? सर। हेलो। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर देशपांडे। मेजर तिरके, नाइस मीटिंग। थैंक यू। एसपी साहब ने आपके बारे में बताया था, उन्होंने यह भी बताया था कि आपने पुलिस इंफॉर्मर्स का नेटवर्क भी बनाया है। हाँ बनाया है। सबसे पहले मैं उनसे मिलना चाहूंगा। कल मिलते हैं। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। श्योर। किसी भी। ओके बाय। कॉमरेड्स, आज हमारे लिए खुशी का दिन है। आज हमारे 14वें दलम का जन्म हो रहा है। इस दलम का नाम होगा मंगेरी दलम और इस दलम के कमांडर होंगे कॉमरेड गणपति अन्ना उर्फ लक्ष्मी। में कमांडर के साथ होंगे कॉमरेड चंद्रक्का, भूपति, जुरू, लमड़ी, देवो, हीरप्पा, समैया, बाजुराव, बंडू, सोमा और राजप्पा। देखली पेचा क्षेत्र से गोरिल्ला दलम नए मिशन के लिए करीमनगर रवाना हो गया है। अभिषेक है उस क्षेत्र में मंगेरी दलम काम करेगा।
जिस तरह आप लोगों ने हमारा साथ देकर अपनी बहादुरी और निडरता का सबूत दिया है, उसी तरह गांव-गांव में जाकर नक्सलवादी पार्टी के लिए आपको काम करना है। पर ध्यान रहे, कहीं भी दलम को 2 घंटे से अधिक नहीं रुकना है, क्योंकि जंगल में जगह जगह स्पेशल टास्क फोर्स तैनात हो चुकी है। इसलिए हमेशा सावधान रहना है। कॉमरेड, आज से ठीक 20 दिन बाद इंद्रावती नदी के तट पर आधी रात में हम मिलेंगे। कोई बात? लाल तलाब, लाल तलाब, लाल तलाब, लाल तलाब। देख बंजा, खेत दोनों भाइयों का आधा आधा था। अब अगर तेरा भाई मर गया तो कम से कम उसकी जोरू और बच्चों को तो मत मार। अब ये बेचारी इनका पेट कहां से पालेगी? इसलिए अब से आधे खेत की फसल तेरी और आधे की इसकी। तू तो तू ही जोत बो, पर फसल आधी देनी पड़ेगी, समझा? अरे तुम लोग ही एक दूसरे का हक मारोगे तो साली ये सरकार क्या गलत कर रही है? इस बार समझा दिया है, दोबारा नहीं समझाएंगे। दोनों कानों से सुन ले, अपनी नक्सलवादी पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार यहां तेंदू पत्ता नहीं कटेगा। ये साले ठेकेदार को भी तो पता चलना चाहिए कि आप उसकी मनमानी नहीं चलेगी। देखो, मैंने भी काटा है तेंदुपत्ता, इन्हीं हाथों से काटा है। सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, मैंने खुद देखा है। कटाई हो गई, पत्ते का गट्ठर बांध के छोड़ दिया, पानी गिरा, पत्ता भीग गया। हमसे कह दिया कि पत्ता खराब है, बाद में उसी को मोटर गाड़ी में डालकर ले गए। हमें मजूरी नहीं मिली, कभी मिली तो वो भी पूरी नहीं। अरे पानी का जिम्मा अपना नहीं है, कटाई हो गई चाहे उठाओ चाहे ना उठाओ, हम कहां रखेंगे? झोपड़ी में तो अपने नहीं समाते। मैं जानती हूं, यहां अगर तेंदू पत्ता नहीं कटा तो तुम्हें आधे साल का नमक तेल नहीं मिलेगा। अब ना मिले नमक तो ना मिले, चीटी खाएंगे पर कटाई नहीं करेंगे। अरे तुम लोग चूल्हा बर्तन बच्चे कच्चे छोड़कर कटाई करो और खजाना उनका भरे? नहीं, 1 साल यहां अगर तेंदू पत्ता नहीं कटाना तो ठेकेदार को पूरी मजूरी झक मार के देनी पड़ेगी। अरे ठेकेदार को तो हम देख लेंगे, लेकिन तुम लोग काम पे मत जाना। और हां, आपस में नहीं लड़ना है ना, लड़ाई तो भाई सरकार से लड़नी है अपने अधिकारों के लिए। यहां गांव के हर घर से ज्यादा नहीं, 1 आदमी आना चाहिए हमारे साथ बंदूक उठाने के लिए। नहीं, जोर नहीं है, सोच लो, हम फिर आएंगे। दोबारा कहीं पुलिस चौकी बनाए ठेकेदार तो तुम्हें जान से मार देंगे। कोई पुलिस चौकी किसी भी गांव में नहीं बनेगी ना। पुलिस यहां से तुम्हें तकलीफ देने के लिए आती है, तुम अब पुलिस का नहीं हमारा साथ दोगे। पुलिस सिर्फ
हमारी दुश्मन नहीं है, वो अब तुम्हारी भी है। दादा, ये खाना गांव वालों ने मिलके दिया है। देखो पाटिल, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। खाना दो तो भी और ना दो तो भी। अगर पुलिस वाले तुमसे पूछते हैं तो कह दो चौकी हमने उड़ाई है, और दोबारा बनाएंगे तो फिर से उड़ाएंगे। सीता का खाना अंदर ले जा। सोमदी, तुम्हारा क्या ख्याल है? चौकी ब्लास्ट होने के बाद फोर्सेस अलर्ट हो गई होगी कमांडर, और डिस्ट्रिक्ट कमेटी से सुपीरियर का कोई मैसेज अभी तक नहीं आया है। ठीक है, मैसेज आने तक तो हमें यहां रुकना होगा। गुंगलू की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। यस, वो लग यहीं थे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ढूंढो। बाकी के लोग भागने ना पाए, चलो सर। कम ऑन, फायर। कमांडर, चलो जल्दी। कमांडर, पकड़ो। आ,
पुलिस ने हमको लोकेट कैसे किया? खाना, खाना कांदोड़ी से डॉक्टर करना को लिया, ये ऑपरेट करना होगा। चल सुमती, खंडर में मिलते हैं। जाओ। ओके। चलो धीरे से आ जाइए। कन्ना, हम अपना घर परिवार ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर जंगल में भूखे प्यासे किसके लिए लड़ रहे हैं? इसमें हमारा निजी स्वार्थ क्या है? क्या कल को जमीन के पट्टे हमारे नाम से होने वाले हैं? मिलने वाली आजादी और अधिकार का सुख किसका होगा? हमारे आदिवासी भाइयों का ही ना? तो फिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं हो? गैर कानूनी ढंग से लड़ी जाने वाली किसी भी लड़ाई में हम साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमें तो इसी कानून और व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है। हाँ तो लड़ेंगे। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए सरकार से हम कानूनी तौर पे लड़ेंगे। ये लड़ाई किसी बाहर वाले के साथ नहीं है, ये तो हमारे देश की अपनी अंदरूनी घरेलू लड़ाई है। और अपने ही घर में लड़ने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है प्रॉब्लम का हल ढूंढने की, उस पर विचार करने की। विचार? विचार करेगा कौन? अनपढ़ गवार आदिवासी जो ठीक से बात नहीं कर पाता वो विचार करेगा? नहीं, बस काफी है 50 साल विचार करने के लिए, हो गया। यहां आम आदमी का पूरा एक जीवन विचार करने में निकल गया। ब्लडी वन होल लाइफ। नहीं, अब विचार नहीं होगा, अब हमें नतीजे पर पहुंचना है, जिसका यही एक आखिरी रास्ता है विद्रोह, क्रांति। क्रांति, 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 तुम्हारी इस क्रांति का अंजाम क्या है? ये गोली थोड़ी इधर उधर होती ना तो जान से जाते रह जाइए। अंजाम से डरे तो अधिकार कैसे मिलेगा? लोकतंत्र में बंदूक लेके अधिकार मांगोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। हुकूमत की गोलियां किसी भी दिन इस जंगल में तुम्हारी आवाज बंद कर देंगी रजैया। हो सकता है, पर जिस दिन ये आवाज जंगल से पूरे देश में गूंज गई तो इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। और तुम तो जानते हो कन्ना, इस क्रांति ने बड़ी बड़ी हुकूमतों का तख्ता पलट दिया है। तख्ता पलटने की बात करते हो? गवर्नमेंट के सामने तुम्हारी ताकत क्या है? चंद बंदूक गिनती के लोग? चंद बंदूक गिनती के लोग तो आगाज है, शुरुआत है। आने वाले कल में ये बंदूकें हर हाथ में होंगी, पूरा समाज हमारे साथ होगा। बहुत भयानक सपना दिखा रहे तुम आने वाली पीढ़ी को रजैया। इसका अंत खून खराबे और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा इससे। ये तो तुम्हारी सोच है। हाँ हाँ, ये मेरी सोच है। हिंसा का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बंदूक से कोई खुशहाली कभी नहीं आएगी। Then let us agree to disagree. तुम अपनी सोच के साथ जियो, हम अपनी। वो लोग इंद्रावती नदी के दूसरी ओर निकल गए। तुम्हें कैसे पता? मैं बताता हूँ। पहले मारपीट रोकिए, इन गांव वालों कोई कसूर नहीं। तुम मेरे सवाल का जवाब दो पहले। दे रहा हूँ। वो संगम तट से इंद्रावती नदी पार कर रहे थे। शिंदे सर, संगम तट पर जाओ,
सभी मल्लाओं को थाने पर लेकर आओ जल्दी। यस सर। तुम वहाँ क्या करने गए थे? एक नक्सलाइट का ऑपरेशन करने। ऐसा ऑपरेशन? बुलेट इंजरी थी। पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर ऑपरेशन कैसे किया? मुझे बताया नहीं गया था कि पेशेंट को गोली लगी है। मैंने तो एक डॉक्टर का फर्ज पूरा किया। मतलब नक्सलाइट का ऑपरेशन करके उसको भगा दिया? तो मैं क्या करता, उसे अरेस्ट करता? ये आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी मत समझाओ। इन्हीं गांव वालों ने उन्हें खाना खिला खिला कर पाला है। ऑफिसर, गांव वालों की मजबूरी है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास बंदूकें भी हैं। इंफॉर्मेशन काफी है तुम्हारे पास। थाने चलो। चलिए। साले कड़ कहीं के। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। चलो। ऑफिसर, इन्हें छोड़ दीजिए, इनका कोई गुनाह नहीं है। शिंदे, छोड़ दे। यस सर। यहां साइन करो। बयान ले लिया? जी सर। नेक्स्ट टाइम तुम किसी नक्सलाइट का इलाज नहीं करोगे और हमें बताए बगैर कांदोरी गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो। मैं आपको पहले बता चुका, मैं हमेशा के लिए आया हूं। और रही बात कांदोड़ी छोड़ने की, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल मैं अल्लापल्ली एक आदिवासी का ऑपरेशन करने जा रहा हूं। अब मैं जा सकता हूं? अल्लापल्ली जाओ। चल दत्तू। करना हम क्या करें? दादा लोगों की बात माने तो पुलिस हमें मारती, पुलिस की सुनो तो दादा लोग धमकाते, हम क्या करें? करना पुलिस वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे लोग की भर्ती भी पुलिस में हो रही है। और गांव वालों से कह दो, दादा लोग की बात बिल्कुल नहीं सुननी है और ना ही उनकी बंदूकें उठानी है। वरना एक आदिवासी पुलिस वाला, एक नक्सलवादी, गोली किधर से भी चले, मरेंगे हम ही ना। चल चुको। तुम दोनों वहां जाओ। खोल। कौन? दरवाजा खोल। अरे क्यों नींद खराब कर रहा है, दुकान बंद हो गई है, जा चला जा। दरवाजा खोल हराम खोर। खोल। बहुत नींद आ रही है बनिया, तेरा पेट जो भरा है ना इसलिए। नींद तो उन्हें नहीं आती जो भूखे सोते हैं, तेरी वजह से। सरकारी धान कहाँ है? वो तो इस साल आया नहीं है। और जो पहले आया था? वो मैंने गांव वालों में बांट दिया। साले झूठे। बांट दिया या बेच दिया? नहीं साहब। गोदाम कहाँ है? गोदाम? गोदाम नहीं है, कसम से। जान की झूठी कसम खाई है, अब तू जान से जाएगा बनिया। नहीं। बांध दो साले को। नहीं 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 सब, आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे छोड़ दो, गोदाम में माल नहीं रखूंगा, सब धान गांव वालों में बांट दूंगा साहब, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भाई लोगों, ये धान तुम्हारा है, आदिवासी कल्याण के लिए ये धान बड़े बड़े ट्रकों में लाद कर तुम्हारे पास भेजा जाता है, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते ये सिर्फ दो चार बोरी ही बचता है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि बाकी का सारा धान तो सरकारी चूल्हों पर पक जाता है। लेकिन अब ये लूटपाट नहीं चलेगी, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। सरकार, ठेकेदार, साहूकार सब सालों को ठीक कर देंगे। हमारे पास ये है, डरो मत, यही ताकत है। साथ दो हमारा, हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे, सिर्फ हम। चलो अपना अपना हिस्सा ले लो। आओ आओ, डरो मत, आओ आओ आओ, आओ। डरो नहीं, चलो आओ। बहुत लूट चुके बनिया,
अब तुम्हारे हर अन्याय का जवाब ये बंदूक देगी। नहीं नहीं साहब, नहीं। पानी दे जल्दी, ले पानी पी ले। देख तू ठीक हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ रूपी। हाँ बोल। ये लड़ाई बंद मत करना। नहीं घिसू कभी नहीं। ला कॉमरेड लक्ष्मैया और कॉमरेड भूपति, हमारी नक्सलवादी पार्टी की इस लड़ाई में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सशस्त्र क्रांति के इस इतिहास में इन दोनों का बलिदान सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लाल सलाम। लाल सलाम। घीसू से कन्ना को मिलाने का मैंने वादा किया था, पर घीसू तो चाहता ही नहीं था कन्ना से मिलना। खैर कन्ना का दवा खाना अच्छा चल रहा है, अब बीमार है, लोग दूर दूर से आते हैं। एक बीमार के साथ चार पांच लोग तो आते ही हैं। लोगों में उसका इतना बड़ा होना हमारे लिए ठीक नहीं है कमांडर।
रेड लालसू, तो ऐसे ही इन्फॉर्मर बनाता रहेगा ना तो मेरा ट्रांसफर और तेरा प्रमोशन जल्दी ही हो जाएगा। हाँ साहब। खैर तेरा प्रमोशन तो होने ही वाला है, कमरे साहब जैसे लोग जो है। कह रहे लालसू आया नहीं अभी तक? आता ही होगा साहब अभी। अच्छे से अच्छे से लालसू आया क्या? आया बोला। पुलिस कौन है? इसका जुल्म क्यों है? बहुत जी लिया तू। मार दो इसे। आज तुम्हारा जाति बदला पूरा हो गया है। इसके आगे किसी मजबूरी में नहीं बल्कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की सलाह दूंगा। अगर कॉमरेड चंद्रका के अंदर कहीं भी रूपी जिंदा है तो वो अब भी वापस जा सकती है। कॉमरेड, पुलिस की हरकत के पहले स्पेशल टास्क फोर्स के बैरक में हम ब्लास्ट करेंगे। जैसे जैसे पुलिस की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे धमाके भी बढ़ेंगे।
मुझे यकीन था कि तुम जिंदा हो रूपी, मुझे यकीन था। की सुनिए, मेरे सामने आने से शायद डर रहा होगा। मैंने उसे हमेशा कहा था ये लाल सलाम ठीक नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात कभी नहीं मानी। अफसोस इस बात का है, तूने भी क्यों रूपी, तू तो हमेशा अपनी शादी की रट लगाए रहती थी, फिर ये कौन से रूप में तू मेरे सामने खड़ी है? तूने क्यों बंदूक उठा ली? जवाब दे रूपी, क्यों पहना तूने देशद्रोही का लिबास? क्यों रूपी क्यों? तू तो बहुत दूर था करना, मैं क्या करती, कहां वापस कैसे जाती? वहां तो आए दिन ये जुल्म होते हैं, पूरा गांव पुलिस वालों से डरता है, इसीलिए मैं जंगल चली आई, बाल काट दिए, बंदूक उठा ली और ऐसी बन गई ताकि रूपी का चेहरा न मैं देखूं न गांव वाले पहचान सके। यहां किसी का डर नहीं, यहां मैं सिर्फ तेरी हूं, सिर्फ तेरी हूं करना। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं रूपी, मैं कानून से लड़ूंगा, तेरे लिए, पूरे आदिवासी समाज के लिए। मुझे विश्वास है करना। विश्वास है तो मेरा साथ दे रूपी। आज तो तेरे साथ पूरा समाज है, तू कहता था ना मेरी यहां सुनता कौन है, अब देख लोग तेरी सुनने लगे हैं। शायद तुझे पता नहीं बहुत बड़ा बन गया है, दूर दूर के गांव में तेरी चर्चा है, लोग तेरे साथ जुड़ने लगे हैं कन्ना। यही वजह है नक्सलवादियों की आंखों में तू चुभने लगा है, तेरा बड़ा होना उनके लिए खतरा है। मैं किसी भी खतरे की परवाह नहीं करता, पर मैं किसी भी कीमत पे अपने लोगों को बंदूक उठाने नहीं दूंगा, जिसकी शुरुआत मुझे अपने ही परिवार से करनी होगी। किसी भी मकसद को पाने के लिए अपने परिवार से ऊपर उठना पड़ता है कन्ना। मैंने तो तुझे सिर्फ का खगा पढ़ाया था रूपी, इतने दिनों में तो कितना कुछ सीख गई है। मैं बहुत अकेला हो गया हूं, मुझे तेरा साथ चाहिए रूपी, मुझे घीसू का साथ चाहिए। ए रूपी, मैं बहुत अकेला हो गया हूं, मैं बहुत अकेला हो गया हूं रूपी, मैं बहुत अकेला हो गया, अब मुझे छोड़ के कभी मत जाना रूपी, मैं तेरे बगैर अब जी नहीं पाऊंगा। रो मत, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, तू अकेला नहीं, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। जागते में तुम्हें छोड़कर जाना मुश्किल था, और बहस करके मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। हमारे रास्ते भले ही अलग अलग हैं, पर मंजिल एक है, और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हारी रहूंगी कन्ना, केसु अब इस दुनिया में नहीं है।